हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया है कि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की एग्जाम डेट आ चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे एग्जाम डेट तो हमेशा पता ही होती है आपको, लेकिन दोस्तों इस बार जो एग्जाम डेट है वो चौंकाने वाली है। एग्जाम्स जो है कुछ तो आगे बढ़ चुके हैं, कुछ पीछे। तो अगर आप कोई भी एंट्रेंस दे रहे हैं, चाहे वो 11th क्लास के लिए है, बीएससी, बीए, बीटेक या एमबीए या बीएड, कोई भी स्ट्रीम है आपकी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम क्लास 11th के एंट्रेंस की। क्लास 11th में आप कॉमर्स और साइंस के लिए एंट्रेंस देते हो, और साइंस में भी आपके दो पार्ट्स होते हैं, पीसीएम और पीसीबी। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, आपके एग्जाम्स का एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है आपके सीबीएसई से जो दे रहे हैं, उनका मार्च में खत्म होंगे, मार्च के एंड में एग्जाम्स खत्म होंगे। अब बात बचती है यहाँ पे कि एंट्रेंस कब होगा। अब दोस्तों आप 29 मार्च को तो एंट्रेंस खत्म, ये अपने सीबीएसई के एग्जाम्स खत्म होंगे आपके। अब एंट्रेंस जो होगा आपका इस बार 21 अप्रैल को होगा, 21 अप्रैल को। आपके एग्जाम्स तो खत्म हो रहे हैं 29 मार्च को, और एग्जाम है आपका 21 अप्रैल को। एक दो दिन तो वैसे ही चला जाएगा, मतलब सिर्फ आपके 20 डेज हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे 9th के और 10th का सिलेबस करना है, इंडो इस्लामिक कल्चर भी करना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है, आप 20 दिन में कैसे एंट्रेंस क्लियर करें। तो दोस्तों इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको होशियार होना जरूरी नहीं है, टेक्निक पता होने चाहिए एंट्रेंस क्लियर करने की। इसीलिए इस चैनल को आपको करना सिर्फ एक काम है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट करनी है, हर सॉल्यूशन यहीं पे ही आपको मिलेगा। सारी वीडियोस मैंने अपलोड की गई हैं 11th के एंट्रेंस के लिए, आप उनको जाके अभी देखें। अभी से सिर्फ एक वीडियो मेरी देखनी है, उसमें आपको ट्रिक्स पता चलेगी सोल्व करने की, कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेटेजी पता चलेगी। ये तो थी क्लास 11th के एंट्रेंस की, जो डेट होगी आपकी 21 अप्रैल 2019, ठीक है, ये आपके एंट्रेंस की डेट होगी। अब मूव करते हैं दूसरे जो पॉपुलर एंट्रेंस होता है एएमयू के लिए, वो है बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो बीटेक के लिए एंट्रेंस की एग्जाम, सिंपल सी बात है, बीटेक की कौन से बीटेक के लिए कौन एंट्रेंस देता है, जो 12th पास होंगे, ठीक है ना। अब 12th पास आप पेपर आपके कंप्लीट हो रहे हैं, फिर वो ही मार्च के एंड में, पूरे मार्च के एंड में आपके पेपर कंप्लीट हो रहे हैं, तो दोस्तों आपको कम से कम कुछ तो टाइम मिलना चाहिए एंट्रेंस के लिए। लेकिन यहाँ पे आपकी जो एंट्रेंस डेट होगी वो है आपकी 28/4/2019, 28/4/2019 आपको मिल रहे हैं 28 दिन सिर्फ पेपर के लिए। सबसे पहले किसी भी एग्जाम्स को जानने के लिए, किसी भी एग्जाम को करने के लिए आपको पता होना चाहिए उसमें सिलेबस क्या है, मेन टॉपिक्स कौन से हैं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए किसी भी एंट्रेंस को सॉल्व करने के लिए। वो आप जो है सिर्फ, आपको भी अगर आप बीटेक के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं, इसको जो है सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए, कोई भी आपके जो फ्रेंड्स वगैरह जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। थर्ड एग्जाम के लिए हम मूव करते हैं, जो है मोस्ट पॉपुलर एमबीए, ठीक है, एमबीए के लिए जो एग्जाम्स दे रहे हैं, या आप जो है पीजी डिप्लोमा के लिए देते हैं इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस में, तो दोस्तों उनका एग्जाम 26 मई 2019 में होगा, 26 मई 2019 में। नेक्स्ट मूव करते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो लॉ के लिए है, बीएएलएलबी, बीएएलएलबी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रेंस है और इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। अब इसको प्रिपरेशन कैसी करनी है, ये हमारी वीडियो आ जाएगी, और वो भी एक स्टूडेंट से, भेट एकेडमी के स्टूडेंट से जिसने बीएलएलबी का एंट्रेंस क्लियर कर रखा है, वो टिप्स और ट्रिक्स अपने देंगे, इसीलिए आप अपने चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसकी जो एंट्रेंस डेट होगी आपके लिए वो होगी आप 26 मार्च 2019, सेम डेट है एमबीए वाली। अब नेक्स्ट एंट्रेंस की तरफ मूव करते हैं, बीएससी ऑनर्स, जो स्टूडेंट्स बीएससी ऑनर्स या बीकॉम के लिए एंट्रेंस होगी आपकी 7 अप्रैल 2019। ये भी वही स्टूडेंट्स हैं जो 12th के बाद बीएससी करना चाहते हैं या बीकॉम करना चाहते हैं। अब 7 अप्रैल है, सिर्फ 7 अप्रैल, देख लीजिए
आपके पास 7 दिन है बीएससी या बीकॉम के लिए क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों करना क्या है आपको, फिर से चैनल सब्सक्राइब करना है और बीए बीकॉम कैसे क्लियर करें वो स्ट्रेटेजी हम आपको बताने वाले हैं। और आपका नेक्स्ट एंट्रेंस आता है बी एड के लिए, जिन्होंने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुकी है इनके पास टाइम होता है थोड़ा सा, इनका एग्जाम होगा 27 मई 2019 में। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे ये जो मैंने बताया फेक है, लेकिन आप स्क्रीन पे मैं लास्ट में लिंक भी दे दूंगा amucontrollerexams.com जो साइट है उस पे AMU ने PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में है और मैं इसको लास्ट में भी वीडियो में लगा रहा हूं, ठीक है। अब आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर पे शेयर करना है। अब जो भी प्रॉब्लम हो छोटी या कोई भी बड़ी आप जो है पूछिए, ठीक है, वीडियो आपकी उस पर आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।